कमर में या पीठ में दर्द रहता है, टांगों में सुन्नपन रहता है, नसें ब्लॉक होती जा रही हैं, वेरिकोज वेन की समस्या रहती है, नसों में ब्लॉकेज के साथ साथ सुन्नपन भी रहता है, पैर में झनझनाहट महसूस होती है, टखने में दर्द रहता है, पिंडलियों में भी दर्द रहता है। इन सारे दर्द की वजह से आपको रात को नींद अगर अच्छे से नहीं आती है, बहुत ज़्यादा सिर में भी कभी कभी दर्द रहने लगता है, तो आज मैं आपके लिए यह लहसुन की मदद से रेमेडी बता रही हूँ और यह आपकी यह नसों की ब्लॉकेज की समस्या और यह सारे ही दर्द की समस्या को जड़ से ख़त्म करने में मदद करेगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक होम रेमेडी जो सुबह सुबह आपको लेनी है। उसके बाद हम एक क्रिया जानेंगे जो नसों की ब्लॉकेज को खोलने में बहुत ज़्यादा असरदार है। वीडियो के एंड में हम जानेंगे फिजियोथेरेपी, जिसमें बहुत आसान एक्सरसाइज बताऊंगी जिसे आप अपने घर में ही कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे एक रात में लेने वाली होम रेमेडी जो आपके नसों के ब्लॉकेज को बिल्कुल ही खोल देगा रात को सोते सोते। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। नसों में जब ब्लॉकेज होने लगती है या नसें कमज़ोर हो जाती हैं या नसें दब जाती हैं, इनके पीछे कई सारे कारण होते हैं। ज़्यादातर जो लोग खड़े होकर काम करते हैं उनकी नसें भी ब्लॉक होने की समस्या बढ़ जाती है, या जो बैठकर बहुत अधिक देर तक काम करते हैं उनमें भी नसों में ब्लॉकेज की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाने से, गिर जाने की वजह से भी, चोट लगने की वजह से भी नसों में ब्लॉकेज देती हैं और इसका दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको आज मैं एक रेमेडी पहले बता देती हूँ जिससे आपकी नसों की ब्लॉकेज को दूर करने में यह बहुत मदद करेगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बड़ी इलायची, जिसे हम बिग कार्डमम बोलते हैं। बड़ी इलायची गर्म तासीर की होती है, तभी यह नसों के खोलने में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। बड़ी इलायची का प्रयोग हमारे रसोई में किया जाता है कई तरह के व्यंजन बनाने के लिए। बड़ी इलायची एक ही लेनी है एक व्यक्ति के लिए। इसके बाद हम लेंगे दो लौंग यानी क्लोव। लौंग के सिरे को हमें हटा देना है। लौंग का सिरा हमारे शरीर में गैस बनाता है और एसिडिटी की समस्या करता है, इसीलिए इसके सिरे को हटा दें। अब हम इनको हल्का दरदरा कूट लेंगे। साथ में हम इसमें मिलाएंगे छोटे चम्मच से एक चम्मच सौंफ। सौंफ नसों को खोलने में काफ़ी फायदेमंद होती हैं और यह रात को नींद अच्छे लाने में भी मदद करती है। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच धनिए का बीज। साबुत धनिए का बीज ही लेना है और इसे भी हम दरदरा कूट लेंगे। धनिए का बीज और सौंफ इन गर्म मसालों के तासीर को बराबर कर देता है, जिससे शरीर में एसिडिटी गैस नहीं बनती है और इनको हम गर्मी के मौसम में भी ले सकते हैं। इसे लेने का तरीका आइए बताती हूँ। एक ग्लास पानी आपको ले लेना है और इस पानी में इन कुटे हुए मसालों को मिला देना है। इसे ढककर रात भर के लिए आपको छोड़ देना है। सुबह जब सोकर उठेंगे तो इसे हल्का आपको एक उबाल बस लगा लेनी है और इसे छान कर कप में निकाल लेनी है। अब इसमें नींबू का रस मिला दें। नींबू का रस छोटे चम्मच से आधा चम्मच मिलाना है। नींबू का रस गुनगुने पानी में लेने से नुकसान नहीं करता है और नसों को खोलने में यह काफ़ी फायदेमंद होता है। इसे आपको सुबह सुबह खाली पेट ही सिप सिप करके पी लेना है एक जगह पर बैठकर। अब आइए मैं आपको क्रिया बता देती हूँ जिससे आप अपने नसों के ब्लॉकेज को खोलेंगे और कमर दर्द को भी दूर करने में यह मदद करेगा। नसों के गुच्छे को भी यह ख़त्म करता है।
इसके लिए हम अपने हाथ का प्रयोग करेंगे। हाथ की उंगलियों के सामने में आप देखें, हर उंगली के सामने में ये हड्डी होती है, ये हड्डी जो यहाँ पर दिख रही है, ध्यान से देखें। इन हड्डियों के बीच के में यह जब आप दबाएंगे तो दब जाएगी, इस तरह का गड्ढा नुमा मांस होता है। इन मांसों के बीच में आपको यहाँ पर सरसों का तेल लगा देना है, या कोई भी तेल आप प्रयोग करते हैं उसे लगा देना है, और उसके बाद आपको इस प्रकार से दो उंगली की मदद से दबाते हुए अंगूठे से यहाँ दबाएं और इससे यहाँ दबाएं, ऊपर की तरफ लेकर जाना है। इस तरीके से आपको इसे दबाकर मालिश करनी है। इसे आपको कम से कम 2 मिनट के लिए करना है, यानी आपको 120 सेकंड्स के लिए करना है। इस तरीके से आप मालिश करेंगे तो आपकी कमर के दर्द, पीठ के दर्द, साइटिका का दर्द, पैर में झनझनाहट, पिंडलियों में दर्द समस्या से छुटकारा दिलाएगा और नसों के ब्लॉकेज को खोलने में भी मदद करेगा। अब आइए हम चलते हैं फिजियोथेरेपी किस प्रकार से हमें करनी है, यानी घर में वह कौन से आसान एक्सरसाइज करनी है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक कुर्सी पर बैठ जाना है। कुर्सी पर बैठने के बाद आप अपने दोनों ही पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। पैर को ऊपर की तरफ उठाकर रखना है। इस प्रकार करने से जो पैर में जमा खून है, जो ब्लड है, जो सर्कुलेशन रुक गया है, रक्त का प्रवाह रुक गया है, वह ऊपर की तरफ होना शुरू होगा, जिससे यह हमारे हार्ट में अच्छे से पंपिंग करने में मदद करेगा और जो भी नसें ब्लॉक है उसको खोलेगा। इसे ऊपर की तरफ उठाकर 10 सेकेंड तक रखना है, यानी 10 बार गिनती गिननी है। उसके बाद वापस से इसे नीचे रखना है, 2 सेकेंड का वेट करें, उसके बाद फिर से पैर को ऊपर उठाएं और इसे आपको 15 सेकेंड तक होल्ड करके रोक कर रखना है, यानी 15 बार गिनती गिननी है। वापस से पैर को फिर नीचे रखें, इसी प्रकार से आपको वापस से 20 सेकेंड तक पैर को ऊपर उठाकर रोके रखना है। फिर से पैर को नीचे रखें और 2 से 5 सेकेंड का ही आराम करें। वापस से पैर को ऊपर उठाएं और इसे आपको 25 सेकेंड तक रोक कर रखना है। फिर से पैर को नीचे करनी है और वापस से 30 सेकेंड्स तक रोक कर रखना है। बस इतने ही प्रक्रिया आपको करनी है। इस तरीके से एक्सरसाइज करने से आपकी जो नसों में दबाव बन रही हैं, ब्लॉकेज हो गई हैं, वेरिकोज वेन है जहाँ पर नसों के गुच्छे हो जाते हैं, नसें काले पड़ने लगते हैं, वह सारी ही समस्याएं दूर होने लग जाएंगी। अब आपको मैं बताती हूँ मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी में अपने पैर में ऊपर की तरफ कोई सा भी तेल का प्रयोग करके, जैसे अगर कोई तेल में आप बात करें तो गर्म तेल लेनी है, तिल का तेल या सरसों का तेल, हल्का गुनगुना कर ले और इसे ऊपर की तरफ मसाज करते हुए पैर की मालिश करनी है। ऊपर की तरफ ही आपको मसाज करते हुए पैर में मालिश करनी है, इसे नीचे की तरफ मसाज करते हुए मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। पैर में कंप्रेस का प्रयोग करें। आपको बहुत सारी ऑनलाइन स्टॉकिंग्स मिल जाएंगे, जिसे हम मोजा बोलते हैं, जो वेरिकोज वेन को दूर करने में मदद करती हैं। आपको यहाँ पे मैंने फ़ोटो शेयर कर दी है और लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। इससे आपकी वेरिकोज वेन जो हैं, जो नसों के गुच्छे बन गए हैं, उनको दूर करने में यह मदद करता है। आपको कमर में दर्द रहता है तो उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ। कमर में और पीठ में दर्द होने की वजह नसों में दबाव बनना या नसों के ब्लॉकेज के कारण भी होता है। इसके लिए आपको एक दीवार को पकड़कर खड़ा हो जाना है। एक हाथ से दीवार को पकड़े और एक हाथ अपने कमर पे रखें। अब जो हाथ अपने कमर पे रखे हैं उसको दीवार की तरफ कमर को धकेलनी है और इसे 10 सेकेंड तक ऐसे ही रखना है, यानी 10 बार गिनती गिननी है। वापस से आपको सीधा हो जाना है और दोबारा से फिर से यह प्रक्रिया को आपको करनी है।
इस तरीके से आप इसे 10 बार करेंगे। दोनों ही तरफ आप अपने कमर में इस प्रकार से व्यायाम करना है, इससे आपके कमर पीठ में दर्द की समस्या दूर होने लगेगी। रात को जब आप सोने जाते हैं तो जो हमने स्टॉकिंग्स बताए यानी मोजे, उसको पैर में पहन लेना है। अगर आपके पास इस तरह के मोजे स्टॉकिंग्स नहीं हैं तो आप पैर को बांध लें किसी सूती कपड़े से, और उसके बाद रात में सोने वक्त पैर के नीचे आपको तकिया लगा देनी है, यानी पैर को ऊंचा कर देना है और तभी सोना है। इस प्रकार करने से यह जो नसों में दर्द और ब्लॉकेज की समस्या है यह दूर होने लग जाती है। अब आइए हम जान लेते हैं कि लहसुन का प्रयोग हमें किस प्रकार से करनी है जिससे हमारे जो यह दर्द है वह बिल्कुल ही खत्म हो जाए और नसों में किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज हैं उसको भी जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके लिए हम एक बर्तन ले लेंगे और इसमें हम दूध डालेंगे। 1 कप दूध डालना है उबला हुआ, और दूध को हल्का गुनगुना कर लेना है। जब दूध में हल्का गुनगुना हो जाए, एक उबाल आ जाए, तब आपको 5 लहसुन की छिली हुई कलियां ले लेनी हैं और इनको हल्का सा कूच लेना है। कूचने के बाद आप इस दूध में मिला दें। इसके बाद आपको इसमें मिलानी है 1 चम्मच का तिहाई हिस्सा यानी 1/3 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर। इसके बाद आप इसमें 2 पिंच यानी 2 चुटकी आपको मिला देनी है ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर, और इसमें 1 और उबाल आने देना है। अब इन दूध की जो यह रेमेडी है इसको छान लेनी है, और छानने के बाद इसे हल्का गुनगुना होने तक ठंडा कर लेना है, और इसे रात में सोने से पहले आपको पी लेनी है। यह आपके नसों को खोल देगा। नसों में ब्लॉकेज हो, नसों में कमजोरी हो, वेरिकोज वेन की समस्या हो, या रात को नींद नहीं आती हो दर्द होने की वजह से, सिर में माइग्रेन का दर्द, सुन्नपन, ये सारे ही समस्या को यह जड़ से ख़त्म कर देगा। इस प्रक्रिया को कम से कम आपको लगातार 15 दिन करनी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, तो यह ज़रूर से बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को US से देख रहे हैं, कुछ लोग इस वीडियो को यूरोप कंट्री से देख रहे हैं, कुछ लोग इस वीडियो को सिंगापुर से देख रहे हैं, और कुछ लोग इंडिया से यानी भारत से, कुछ लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, अलग अलग प्रांतों से बिहार, UP, पंजाब, वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता, सभी जगह से यह वीडियो देखी जा रही है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। इस तरह की ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी जानकारी मैं दो इस वीडियो के माध्यम से वह आप तक पहुंच जाएं। शुक्रिया।